बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी एटीएस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सीमा हैदर के पाकिस्तान के फोन नंबर की भी जांच जारी है। एटीएस को नोएडा पुलिस ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर यूपी एटीएस की टीम अब काम कर रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, सीमा हैदर का ये पूरा मामला लगातार उलझता ही जा रहा है। पुलिस को दरअसल बहुत विरोधाभास जो है बयानों में नजर आ रहा था सीमा हैदर के जो बयान पहले दिए गए थे, लेकिन अब इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो यूपी एटीएस को दे दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, अब इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो यूपी एटीएस को दे दी गई है, यूपी एटीएस अब इस मामले की जांच करेगी। देखिए अनुपमा, अब यूपी एटीएस की एंट्री हो चुकी है सीमा हैदर के मामले में। इससे पहले जो है नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस लगातार सीमा हैदर पर नजर बनाकर रखे थे कि किसके कांटेक्ट में थी वो, कैसे आई है, ये तमाम चीजें जो है गाजियाबाद पुलिस और नोएडा पुलिस दोनों इस पर नजर बनाए हुए थे। अब यूपी एटीएस की एंट्री होगी और जाहिर तौर पर नेपाल से जिस रास्ते में आई है, किनके कॉन्टैक्ट में सीमा हैदर थी, इसके अलावा जो वह पुराना मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही थी, उस मोबाइल नंबर को भी हथियाने की कोशिश हो रही है ताकि उससे भी कुछ डिटेल निकल पाए। और ये भी हमारी जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में यूपी एटीएस के अधिकारी हैं और लगातार सीमा हैदर के एक एक कॉन्टैक्ट के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है, और ताकि किसी भी तरीके से कोई डाउट ना रह पाए। अगर कोई डाउट आता है तो जाहिर तौर पर जो जमानत सीमा हैदर को मिली हुई है उसे भी खारिज करवा सकती है। जी ठीक है अमित, नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल यूपी एटीएस की तरफ से की जाएगी। नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने अब तक जो भी जांच पड़ताल की थी वो सभी जानकारियां यूपी एटीएस को दे दी गई है। सीमा के पुराने मोबाइल नंबर की भी जांच पड़ताल अब यूपी एटीएस की तरफ से की जाएगी। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। संजीव बालियान बाढ़ प्रभावित के बीच पहुंचे और कपड़े उतारकर बाढ़ के पानी में उतर गए। गांव वालों के साथ पानी में होते हुए मंत्री खेतों तक पहुंचे और बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। किसानों की कई एकड़ फसल बाढ़ में पूरी तरह से चौपट हो गए। संजीव बालियान ने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के इटावा में नदी के किनारे रील बनाना दो लड़कों को महंगा पड़ गया। एक लड़की की मौत हो गई जबकि दूसरे लड़के की तलाश की जा रही है। दोनों लड़के अपने दोस्तों के साथ सेंगर नदी के किनारे रील बनाने के लिए पहुंचे थे। दोनों का पैर फिसलने के बाद नदी में डूब गए, जिसमें 14 साल के रेहान की मौत हो गई जबकि चांद नाम का लड़का लापता है, जिसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। ये दोनों लड़के दिल्ली के रहने वाले थे जो इटावा में अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे। वही राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। बूंदी में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बूंदी के कई इलाकों में बारिश के चलते जलभराव हो गया, जबकि कुछ जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। खजूरी मार्ग पर बने पुल पर पानी आने से आवाजाही बंद हो गई और तमाम लोग फंस गए।